हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में ऐसा लगता है कि अगर मैं ये तीन कंटेनर लूं, लो चौथा एक और ले लेता हूं, तुम तीन कह रहे हो, मैं एक बहुत ही अजीब सा डायग्राम बनाता हूं। ये कंटेनर है बस, जिसमें लेवल ऑफ लिक्विड इसमें भी एच है, एच लिक्विड है, और नीचे प्रेशर को मेजर करने के लिए मीटर लगा रखा है। तो हाइट लिक्विड की सभी वेसल में एग्जैक्टली सेम है, तो बॉटम के ऊपर प्रेशर सब पे एचरूजी आएगा, इररिस्पेक्टिव किस कंटेनर की शेप कैसी है। ऐसा बंदे को लगता है मैं बाल्टी ऐसे ले लूंगा ना, पानी ज्यादा आ जाएगा ना, तो वेट ज्यादा हो जाएगा ना, प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया से इंडिपेंडेंट है, चाहिए ही नहीं है। तो आपको ऐसा फील होगा कि इस कंटेनर में ज्यादा प्रेशर आएगा और इसमें तो बहुत कम आएगा, बिल्कुल भी नहीं, प्रेशर सेम आएगा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला वर्टिकल हाइट से क्या होता है, एचरूजी, और वो उसमें एरिया बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। पाइप पतली है, मोटी है, बाल्टी कैसी भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये कॉमन मिस्टेक है, ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, शेप चेंज करता रहेगा, आप फंस जाओगे, को कि नहीं मुझे लग रहा है इसमें प्रेशर ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं, तुमने सिर्फ पानी की हाइट देखनी है, कुछ नहीं देखना। पॉइंट क्लियर है? इसका रीज़न भी बता रखा है कई बुक्स में। बेसिकली क्या होता है, जैसे कंटेनर ऐसा है, इस कंटेनर में ये होता है कि पानी वॉल पे फोर्स लगा रहा है, वॉल बाय रिएक्शन फोर्स लगा रही है, तो इसके दो कॉम्पोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इसके जो वर्टिकल फोर्सेज हैं ऊपर की तरफ हैं, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आपस की, लेफ्ट और राइट की आपस में क्या कर जाती हैं, कैंसल। तो जो वर्टिकल फोर्सेज हैं वो सारी इसमें क्या लगाती हैं, प्रेशर लगाती हैं। तो अगर आपका कंटेनर टेढ़ा भी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आपस में क्या करते जाएंगे, कैंसल, और वर्टिकल कॉम्पोनेंट में सिर्फ हाइट मैटर करती है, विड्थ मैटर नहीं करती, तो इसलिए आंसर में कोई चेंज नहीं आता। तो आपको पूछेगा नहीं कोई, मैं वैसे बता रहा हूँ, बुक्स भी वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता देती हैं कि वर्टिकल कॉम्पोनेंट में हाइट मैटर करती है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इसमें कैंसिल ही हो जाते हैं फोर्सेस के। तो इसके ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो सीखना ही पड़ेगा।